आपने प्रेम कहानियां तो बहुत सुनी होगी और हाल के दिनों में सीमा हैदर भौजी की कहानी आप सुन रहे हैं। सचिन भैया के प्यार में पड़ करके किस तरीके से वो गलत वे में गलत तरीके से हिंदुस्तान में बच्चों के साथ एंट्री मार दी। खासे चर्चे में हैं सीमा हैदर भौजी। लेकिन मैं आपको प्रेम कहानी जो सुनाऊंगा, दो प्यार के परिंदों की कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर के आप लाजवाब हो जाएंगे। ये भी विदेशी बहू है, विदेशी दुल्हनिया है। मैं आपको सुनाऊंगा एक बिहारी सब पर भारी। यह सिर्फ कथनी नहीं है बल्कि 100% सच है और इसका ताजा प्रमाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं बात करता हूं चाइना की, उस चाइना की जो हिंदुस्तान का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन देश है। अब बात करते हैं चाइनीज माल की, जिसकी खपत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तानी लोग चाइनीज माल को इस हद तक पसंद करते हैं कि नहीं इस्तेमाल करने के तमाम हिदायत के बावजूद चाइनीज माल खूब बिकता है। आप सोच रहे होंगे मैं चाइनीज माल की बात क्यों कर रहा हूं, तो आइए बात करते हैं मुद्दे की। एक बिहारी सब पर भारी। जी हां, अपने बिहार के लाल ने तो कमाल ही कर दिया। खगड़िया के राजीव ने चाइना से दुल्हनिया लेकर के बिहार आ गया। जी हां, खगड़िया का राजीव ने तो चाइनीज दुल्हनिया ही बिहार लेकर के आ गया। दरअसल खगड़िया का राजीव गुप्ता 10 वर्ष पहले पढ़ाई करने चाइना गया था। पढ़ाई के दौरान राजीव की मुलाकात लियू तान से होती है, जो चीन की राजधानी बीजिंग की रहने वाली है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। राजीव और लियू तान जीवन पथ पर भी एक साथ चलने का निश्चय कर लेते हैं। लियू राजीव से इस कदर प्यार करती है कि राजीव के लिए कुछ भी कर गुजरने का मादा रखती है। राजीव के परिवार को अपनी बहू से बात करने में असुविधा न हो, इसलिए बजाबता हिंदी बोलना तक सीखती है। और अब आप देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ थिरकते हुए दुल्हा दुल्हन यानी राजीव और लियू तान, प्यार के दो परिंदे कितने खुश हैं। कैसे दोस्ती हुई? हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में पढ़ते थे चाइना में। अच्छा। मैं चाइना में पिछले 10 सालों से हूँ। ठीक है। जब मैं चाइना में पढ़ाई करने के लिए मैं लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी ऑफ चाइना वहाँ पे ही दिल बैठे। मैं मास्टर्स किया। अच्छा। उस समय मैं बैचलर्स कर रही थी। अच्छा। बाद में इसने भी मास्टर्स किया और हम लोग अभी चाइना में ही रह रहे हैं लंबे समय से। कितने दिनों से दोनों के बीच दोस्ती? जान पहचान तो पिछले 9 से 10 साल से है। अच्छा। और हम सब की क्लोज कॉन्टेक्ट में पिछले कुछ समय से आई है। परिवार वालों को मनाना कितना बड़ा चुनौती था? बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि उनके भी परिवार में लोग सब इंडिया के बारे में ना के बराबर जानते थे। अच्छा। और हमारे इधर में तो थोड़े और भी बहुत ही दिक्कत वाले थे। क्या पहली बार भारत आया? नहीं नहीं नहीं, ये 2016 में एक बार आ चुकी है और 2019 में टूरिस्ट वीजा पे उस समय आई थी। अच्छा। और इस बार जो है ये वो फैमिली रियूनियन वाले जो वीजा है उस पे ये आई है प्रॉपर शादी के। परिवार के लोग भी आए? इनके परिवार के लोग, परिवार लोग के लोग आना चाह रहे थे। हमारे मित्र जो दूसरे देश वाले हैं वो भी आना चाह रहे थे। कौन से देश से हैं? मैं लगभग 70 देश के सारे लोगों को जानता हूँ और हमारे लगभग 50 से ज़्यादा देश के लोग मित्र हैं। मित्र हैं? हाँ हाँ। अभी कोई आए हैं अदर देश से? नहीं, क्योंकि कि वीजा का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब पिछले साल आया था उस समय भी क्योंकि इसका वीज़ा नहीं मिल पाया था, इसीलिए नहीं हो पाया ये प्रोग्राम। नहीं तो शायद पिछले साल ही हम लोग 2022 में। हाँ, यानी एक साल इंतजार करना पड़ा। हाँ, शादी के लिए, क्योंकि अभी वीज़ा में थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा। तो इसीलिए वीज़ा जैसे करके इसे मिला तो हम लोग जल्दी से आए कि हाँ ये जो फंक्शन है ये कम्प्लीट। पूरे परिवार समेत पूरे खगड़िया के लोग साक्षी बन रहे हैं पूरे देश के, कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे हैं और जितने भी लोग सब यहाँ पे हमारे 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 इस ओकेजन में शामिल हुए खगड़िया वासी सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरा खगड़िया आपको इस वक्त लाइव सुन रहा है, लाइव देख रहा है, लाइव देख रहा है। बहुत बहुत खुशी हुई। आप हिंदी बोल लेते हैं? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। इतना कठिन रहा हिंदी सीखने में?
कितने दिनों लगा हिंदी सीखने? How difficult? How difficult? Learning English and learning Hindi. I learned Hindi from environment. Yeah, from environment. Actually, मेरा वहाँ पे business चलता है, तो हमारे जो staff सब हैं, वो India नहीं है. अच्छा. क्योंकि मैं जो इससे बोलता हूँ, वो तो Chinese और English में बोलता हूँ. मैं Hindi में नहीं बोलता हूँ. लेकिन हमारे जो staff है, उन्हें Chinese या English उतनी नहीं आती है, तो उनके साथ थोड़ी communicate. और ये बहुत ही Bollywood movie भी देखती है. अच्छा, Bollywood movie वगैरह देख करके भी बहुत चीजें जो है. कौन कौन सी Bollywood favorite actor की जी? दंगल. दंगल वो और आमिर खान चाइना में बहुत ही फेमस है. फेस्टिवल सबसे ज्यादा आपको पसंद है? बिहार फेस्टिवल. दिवाली. दिवाली और छठ में अभी तक ये शामिल नहीं हो पाई है, इसीलिए नहीं जा रही है. हाँ, बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ये जानती है. वेरी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ यार ना. अब क्या भारत भारत में ही रहकर अब यहाँ करना है? भारत में तो मुश्किल है, हम सब ये सारे ओकेजन के बाद थोड़े समय के लिए और रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने काम पे वापस. हमारा जो बिजनेस चलता है वो चाइना से चलता है. ठीक है, तो ये सीमा हैदर भौजी नहीं है, ये ल्यू तान है. पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश है, चाइना भी हमारा दुश्मन देश है, और दोनों हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते हैं. और पाकिस्तानी और चाइनीज पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सीमा हैदर गलत तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री मारी, और ल्यू तान प्यार का परवाना है. किस तरीके से राजीव और ल्यू तान ने प्यार किया, 10 वर्षों तक दोनों का अफेयर चला, और उसके बाद जीवन के बहुमूल्य पथ पर चलने के लिए, अनमोल पथ पर चलने के लिए दोनों दूल्हा दुल्हन बन गए, और किस तरीके से हिंदुस्तानी गाने पे ल्यू तान अपने पति के साथ, अपने जोड़े के साथ थिरक रही है, खुश है ना. ये प्यार का लाजवाब तोहफा, प्यार की लाजवाब कहानी. ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी.